कभी कभी राम जी हमारे बड़े भैया मेरी याद करते हैं, हनुमान जी कहने लगे, लेकिन वो याद ना करते तो हम यहाँ ना होते। भगवान के कोई भी कार्यक्रम हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम करा सके या कर सके, परमात्मा स्वयं समय देता है, व्यवस्था करता है ना। लेकिन हम उन्हीं के यहाँ व्यवस्था करता है जो भाव से भगवान की पूजा करना चाहते हैं, जो अहंकार भाव से करना चाहते हैं। उनके घर में भी सत्यनारायण की कथा मनी पड़ी है 6-6 साल की, हो नहीं पाई उससे ज्यादा, कितना हजारों गुना ज्यादा डॉक्टर साहब ले गए, लेकिन कल्याण नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि तू चाहता है कि तू कर रहा है ना, ना, ना। भगवान की कथा भगवान की कृपा के बिना नहीं, इसलिए प्रभु से ही कहना चाहिए कि जैसा भी हूँ प्रभु तेरा हूँ। आज भरत भी यही बात कह रहे और यही बात हनुमान जी ने कही कि निज दास जो रघुवंश भूषण कबहु मन को निरंतर कियो जगन्नाथ जो गाए रहो बीत पदम पुनीत सतवर याद के बिना राम नहीं रहता, क्योंकि राम कहते भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जी, सारा संसार राम राम करता है लेकिन राम जी स्वयं भरत भरत करते हैं। हनुमान जी को इसलिए पता क्योंकि लखनलाल जी आसन पर बैठते थे थोड़ा दूर रक्षा के लिए, हनुमान जी चरण चापते थे, इसलिए हनुमान जी को रोम रोम से भरत की आवाज है। इसलिए आज पूरी गारंटी से हनुमान जी कहते हैं कि भरत एक एक रोम रोम में जैसे मेरे राम राम बसा हुआ है, वैसे राम जी के भरत रोम रोम में भरत भरत। इतना प्रेम कैसे कोई माँ, भले ही माँ क्यों ना हो लेकिन दूर कर सकती ना, ना कभी नहीं। आज भगवान भरत जी कहने लगे कि मोहि समान को पाप निवास, हनुमान मैं तो इतना पापी कि मेरे कारण पिताजी चले गए, मेरे कारण हमारे बड़े भैया को वनवास हो गया है, हमसे ज्यादा पापी पूरा घर केवल मेरे लिए बर्बाद हो गया। एक बात और बताया आपको कि जिस घर के माता पिता सही निर्णय नहीं लेते उस घर में यही होता है, बच्चों के दोस्त जाए उससे पहले माँ बाप को सोच लेना चाहिए। इतना बड़ा महाभारत हुआ क्यों? क्योंकि 100 पुत्र गांधारी थी, धृतराष्ट्र के आंखों में पट्टी बंधी आंखें थी ही नहीं है ना, दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन गांधारी को तो दिखता था, उसने भी आंखों में पट्टी बांध ली। जिस परिवार के माता पिता आंखों में पट्टी बांध कर परिवार चलाएंगे उस परिवार में सिर्फ और सिर्फ महाभारत ही होगा। याद रखिए निर्णय सही देना चाहिए, राजा दशरथ मोह बस कहीं नहीं पड़े। वही बात भरत जी ने गंगा जी के तट पर कही कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, हमें कुछ नहीं चाहिए गंगा मैया, और अगर देना ही चाहती हो तो जन्म जन्म रति राम पद यह बर मानूंगा, इतना ही दे दो कि हम राम के चरणों से दूर ना। साफ भी झूठे हो जाते हैं, प्रेम ऐसी अग्नि है मिट्टी से परमात्मा प्रकट हो जाता, किया है लोगों ने, यहां हम लोग उनकी कथाएं जानते हैं, हजारों ऐसे संत हैं जो रोज नित्य निरंतर दर्शन करते हैं और हम लोग उन संतों के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, हजारों ऐसे हैं
अब तो एक बहुत बढ़िया साधन हो गया यूट्यूब का, जिसमें हम ऐसे बहुत से संतों को देखते हैं। अभी देखिए नर्मदा परिक्रमा में एक महाराज जी बेचारे कितने महीनों से अन्न दूध फल सब त्यागे हुए हैं, कुछ नहीं खाते, केवल नर्मदा मैया का जल पीते। आप सोचो कैसे जिंदा है, 40 महीने पार कर गए थे। उसकी कृपा जो उसमें लीन हो गया, देह से परे हो गया, गोपियां भगवान से मिलने गई, गोपियों ने भगवान ने कहा लौट जाओ, क्यों आई हो, और अगर ये वातावरण देखने आई हो तो उन्होंने कहा नहीं, आपको मैंने सच्चा पति माना है, इसलिए आपके पास ये सब देह के पति हैं, जगत में ये सब देह के पति हैं, देह का ही रिश्ता है, लेकिन आप ये सोचो कि मन का पति तो केवल परमात्मा है। आप यहाँ बैठे हो, आपके घर से फोन आ जाए, है ना, और आप ये कह रहे हो कि हम अपना मन भेजे दे रहे, तो क्या आपके मन से घर वाले संतुष्ट होंगे, उनको तो पंच चाहिए, दिखाई पड़ो आ गए कि नहीं। अच्छा भगवान के पास हम तन भेज दें और मन घर छोड़ दें तो क्या भगवान संतुष्ट होंगे, कभी नहीं। संसार को तन चाहिए, भगवान को मन चाहिए, दोनों दोनों को दे दो, आपका भी उद्धार हो जाए और पूरा जीवन सफल हो जाए, क्योंकि कर से कर्म कोई बाधा नहीं है। कर से कर्म करो विधि नाना, गोस्वामी जी ने लिखा कि हाथों से खूब पैसा कमाओ, ईमानदारी से, मेहनत से, अपने परिवार की, समाज की खूब सेवा करो। कर से कर्म करो विधि नाना, लेकिन मन मन राखो जहां कृपा मिला, बस दोनों बातें बन गई। आज भरत जी कहते हैं कि यद्यपि जन्म कुमातते मैं सठ सदा सदोष, आपन जान न त्यागी है मोहि रघुबीर भरोस। इसलिए हनुमान जी आए हैं अपना समझ के, अंतर इतना ही है कि हम अपना जिसे समझ रहे हैं नहीं पाए आज तक, जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही तो नाग बन बैठे हमी को काट खाने। ये संसार की माया है। आज भगवान हनुमान जी ने कहा कि अब हमें जाना है ना, और आप सीख जाए और तैयारी करें, है ना, क्योंकि राम जी एक एक पल तुम्हारे दर्शन के लिए, भरत की सूचना भगवान हनुमान तो पहले ही समझ गए कि रो रहे हैं इनकी आंखों की, क्या देखे, पूरी सूचना ले ली हनुमान जी ने और बस कह दिया कि अब हम जा रहे हैं। तब भरत जी ने कहा कि मेरा प्रभु के चरणों में निवेदन करना है।